अध्याय 17 दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में हम बहुत से रासायनिक यौगिकों का उपयोग करते हैं, जैसे नमक, शक्कर, पानी, साबुन आदि। जहां एक ओर जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वहीं दूसरी ओर नमक तथा शक्कर के बिना भोजन के स्वाद की कल्पना नहीं की जा सकती। कुछ महत्वपूर्ण अकार्बनिक रसायन हैं खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर आदि, जिनका उपयोग हम बेकरी उद्योग तथा अन्य खाद्य सामग्रियों में करते हैं। विरंजक चूर्ण द्वारा रोगाणु रहित जल प्राप्त करते हैं। सीमेंट, कांच, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि भवन निर्माण में उपयोगी हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। 17.1 जल, वाटर। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जल है, जो समुद्र, नदी, झीलों में फैला हुआ है। पृथ्वी तल से नीचे कुछ गहराई तक जल पाया जाता है। यह सभी जीवधारियों, प्राणियों और पेड़ पौधों के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी की ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में भी लगभग 70% जल है। पृथ्वी पर जल तीनों अवस्थाओं, ठोस, बर्फ, द्रव जल और गैस जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। प्रायः किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर ml तथा जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम पर ml होता है। बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। पृथ्वी के शीत क्षेत्रों में नदी एवं झीलों की सतह पर जमी बर्फ के नीचे जल रहता है। बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, इस कारण नीचे का पानी धीरे धीरे ठंडा होता है। वायु में नमी के रूप में प्रत्येक मौसम में जल विद्यमान रहता है। जल सर्वाधिक पदार्थों को घोल लेता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। 17.1.1 मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जल में उपस्थित लवणों और साबुन के साथ झाग देने के आधार पर जल को मृदु अथवा कठोर कहा जाता है। मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। साबुन के साथ जल्दी और अधिक झाग देने वाला जल मृदु जल कहलाता है। वर्षा का जल और आसूत जल आदि मृदु जल हैं। कठोर जल, हार्ड वाटर। साबुन के साथ देर से तथा बहुत कम झाग देने वाला जल कठोर जल कहलाता है। साबुन ऐसे जल के साथ फटकर थक्का या अवक्षेप देता है। 17.1.2 जल की कठोरता का कारण, रीजंस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड में से किसी भी लवण के उपस्थित होने पर जल कठोर हो जाता है। ऐसा जल जिसमें सोडियम के लवण घुले हों मृदु होता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों, फैटी एसिड्स का सोडियम लवण होता है, जैसे सोडियम स्टीयरेट C17H35COONA। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर अवक्षेप बनाता है, जिसे दिए गए समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ट्वाइस C17H35COONA प्लस M2 प्लस चार्ज इज इक्वल टू C17H35COO होल ट्वाइस M अवक्षेप प्लस ट्वाइस Na प्लस चार्ज एक्वस। यहाँ M2 प्लस चार्ज Ca2 प्लस चार्ज या Mg2 प्लस चार्ज को दर्शाता है। जब तक जल से लवण पूरी तरह अवक्षेपित नहीं हो जाते, तब तक साबुन के साथ झाग नहीं बनती और इस प्रक्रिया में बहुत सारा साबुन व्यर्थ चला जाता है। यह अवक्षेप कपड़ों के साथ चिपक जाता है और इस कारण कपड़े मलिन, डल हो जाते हैं। 17.1.3 कठोरता के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। पहला, अस्थायी कठोरता, टेम्पररी हार्डनेस। अस्थायी कठोरता
कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट के जल में घुले होने के कारण होती है। उबालने पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय हाइड्रोजन कार्बोनेट अविलेय कार्बोनेट में बदलकर अक्षेपित हो जाते हैं। आपने अपने घरों में पानी गर्म करने वाले बर्तन में सफ़ेद रंग की पपड़ी देखी होगी, यह अविलेय कार्बोनेट की होती है। CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस उबालने पर CaCO3 अवक्षेप प्लस H2O प्लस CO2 गैस। यदि जल की कठोरता मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस के कारण हो तो जल को उबालने पर क्या होगा? क्या आप होने वाली अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिख सकते हैं? अस्थायी कठोरता को चूने के पानी की निश्चित मात्रा मिलाकर भी दूर किया जा सकता है। CaHCO3 होल ट्वाइस एक्वस प्लस CaOH ट्वाइस इज इक्वल टू ट्वाइस CaCO3 अक्षेप प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड। दूसरा, स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस। स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के जल में घुले होने के कारण होती है, जिसे उबालने या चूने के पानी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता।